हेलो वेलकम टू केन स्टडीज आज हम साइंस में प्रीवियस ईयर में 2013 थाउजेंड एंड थर्टीन का देखेंगे पार्ट एट इसमें टोटल आपके ट्वेंटी वन क्वेश्चन हैं फर्स्ट क्वेश्चन नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड कंटेंट्स मेनली तो देखो इसमें कुछ क्वेश्चन में देखोगे यदि आपके देखो दो ऑप्शन हैं मिथेन्स वनली और मिथेन एंड हायर हाइड्रोकार्बन यदि आपके हायर हाइड्रोकार्बन न दिए हुए हो तो मिथेन्स वनली आपको ये करना होगा ब्यूटेन एंड आइसो बुटेन नो मीथेन मेजर कंपोनेंट में होता है तो कुछ ऑप्शन जैसे देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिसमें सिर्फ मीथेन दिया हुआ रहेगा तो यदि मीथेन एंड हायर हाइड्रोकार्बन है तब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यदि मीथेन एंड हायर हाइड्रोकार्बन नहीं सिर्फ मीथेन दिया हुआ रहता तो आपका मीथेन होता ये आपको ध्यान रखना है कुछ क्वेश्चन में ऐसे पूछे गए हैं नेक्स्ट आपका डायमंड इज अ पोलिमोफ ऑफ ग्रेफाइट बोथ कंटेन्स कार्बन आइटम्स बट दे हैव एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द कंडीशन इन विच दे आर फॉर्म्ड डायमंड इज ऑबटेन्ड आफ्टर अप्लाइंग तो देखो इनफैक्ट कोल ग्रेफाइट डायमंड ये सब में क्या है कार्बन से ही बने हुए हैं फ्यूलेरिन बहुत सारे एन नंबर ऑफ कार्बन के uh, अपर रूप हैं तो उसमें डायमंड कब बनता है जब वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे आपका जो है कार्बन जो है वो डायमंड में कन्वर्ट होता है द थ्री प्राइमरी माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिय तो प्राइमरी सॉइल माइक्रोन्यूट्रिय एनपी के ठीक है एनपी के नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम उसमें नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक यूरिया जैसे यूरिया का बोरा देखोगे उसमें फोर्टी सिक्स परसेंट नाइट्रोजन आपका रहता है नेक्स्ट डायमंड रिंग गॉड्स आई एंड बेलेज बीट्स आर द पार्ट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना तो ये है किसे? से हैं किसे सोलर इक्लिप्स से संबंधित हैं सोलर इक्लिप्स कब होता है सोलर इक्लिप्स का मतलब है कि पृथ्वी पर जो है वो सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है तो ये आपका जो है सन है और ये आपका पृथ्वी है इसके बीच में यदि चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा ढक लेता है तो पृथ्वी पर आ, नहीं आ पाता है ठीक है ना सनलाइट तो देखो पृथ्वी का आकार बड़ा है सूर्य का बहुत बड़ा है और चंद्रमा का जो है बहुत छोटा है कंपेरेटिवली लेकिन डिस्टेंस के कारण ये हमसे बड़ा दिखता है डिस्टेंस इसके जो है सन के अपेक्षा डिस्टेंस बहुत बहुत कम है तो इस वजह से ये बड़ा दिखता है और पूरा ढक नहीं पाता है कहीं ना कहीं इस वजह से फूल जो आपका सोलर इक्लिप्स है ये बहुत कम विजिबल होता है तो ये आपका ए है नेक्स्ट है मशीन तो एलेन के लाइफ पे एक इमिटेशन गेम बना हुआ था आपका मूवी बना हुआ था तो उसपे जो है उस टाइम वो करेंट अफेयर्स में था तो मूवी के कारण वो चर्चा में था एलन एन तुरिंग के कारण तो ये आपका क्या है मशीन डेट आइडेंटिफाई एक्सप्लोसिव नो थोरेटिकल कंप्यूटिंग मशीन टू एक्ट एच एन आइडियल मॉडल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो ये आपका जो है सेकेंड बल्डवार में ये टूरिंग मशीन जो है वो काफी यूजफुल uh, रहा और इसके कारण ही एक तरह से बल्डवार जो है वो जल्दी समाप्त हो पाया ऑब्वियसली सिक्स ईयर लगा बट uh, कहीं ना कहीं फिर भी ये जल्द समाप्त करने में काफ़ी हेल्प किया नेक्स्ट आपका है लीव्स ऑफ लोटस एंड वॉटर लिली आर नॉट ईजली वेड बिकॉज द लीव्स है

कि वोल्टेज को चेंज करते हैं अब देखो डिफरेंट मशीन हैं उसमें भी ट्रांसफार्मर आपका होता है बट नॉर्मली ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि आपका जो है वोल्टेज को एक से दूसरे में ये करना तो कन्वर्ट लो ए सी वोल्टेज टू हाई वोल्टेज यस ये भी करता है और कन्वर्ट हाई ए सी वोल्टेज टू लो एसी वोल्टेज ठीक है कन्वर्ट डायरेक्ट करेंट टू अल्टरनेटिव करेंट नो रेगुलेट द फ्लक्चुएशन ये स्टेबलाइजर होता है यूज तो वन एंड टू वनली हो जाएगा नेक्स्ट आपका है द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज अब ये यूज बहुत कम होता है आ, बहुत कम लोग अब इसको यूज करते हैं आज के डेट में जनरली वही लोग यूज कर रहे हैं जो प्रॉपर तरीका से बिल पे नहीं करते हैं जो ईमानदारी से बिल पे करते हैं वो अब इसका यूज नहीं करते हैं अब आज के डेट में आपके पास देखो सी एफ एल उसके बाद आया सी एफ एल के बाद एल ई डी तो अब ये ओल्ड वाला जो वॉट वाला जो आपका टंगस्टन वाला तो वो बहुत कम लोग यूज करते हैं तो कह रहा टंगस्टन चीप no. चीप नो इनफैक्ट होता तो ये आयरन इससे बहुत चीप है कॉपर इससे बहुत चीप है ड्यूरेबिलिटी तो ड्यूरेबिलिटी एक तरह से कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द फैक्टर है हाई इमिटिंग पावर ऑफ टंगस्टन ये लाइट इमिटिंग पावर ऑफ टंगस्टन इज हाई नो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज हाई क्योंकि कंटिन्यूस आप जलाते रहते हो तो टेम्परेचर हाई 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 होते हुए यदि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो गल जाएगा और लाइफ जो है बल्ब का वो बहुत कम हो जाएगा तो इसका डी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर में बी एन तो क्या है ये एनालॉग

आपका ये एग्जांपल सी दिया हुआ है डायरेक्ट नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ कलर्स इन सोप बबल्स इज ड्यू टू ये भी आपका डायरेक्ट ये उठा करके दिया हुआ है तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नेक्स्ट है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट्स इन वन इट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ तो देखो जियोस्टेशनरी जियोस्टेशनरी का मतलब है कि ये अर्थ है तो ये इसके मूव कर रहा है तो देखो जैसे ये कोई ए ए पार्ट है ए है पॉइंट है यहाँ से कोई देख रहा है तो कोई सैटेलाइट जो है यहाँ दिख रहा है अब अर्थ जो है ए पॉइंट मान के चलो कि मूव होकर के रिवॉल्व होकर के यहाँ पहुँच गया ए तो अब ये भी क्या है इस ये में यहाँ पहुँच गया तो इस ढंग से ये भी इस जियो तो जब जहाँ ए यहाँ पहुँचा मान के चलो तो ये भी यहाँ पहुँचा तो इस ढंग से यदि ऐसा होता है कि ये 24 घंटे में ये भी कवर कर लेता है इस वजह से ये जियो स्टेशनरी यानी कि पृथ्वी के तुलना में वो स्थिर दिखाई देता है तो इसका आंसर बी हो जाएगा ट्वेंटी फोर आवर्स नेक्स्ट व्हाट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ कंडक्टिविटी वेन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो बढ़ते क्रम में तो सबसे कम कंडक्टिविटी किसका होगा इंसुलेटर का होगा फिर आपका इंसुलेटर के बाद सेमीकंडक्टर उसके बाद मेटल मेटल का सबसे अधिक होगा तो ये आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट क्या होता है मोडुलेटर डी मोडुलेटर ठीक है मोडम मोडेम मो मोडुलेटर डी मोडुलेटर तो मोडुलेटर और डी मोडुलेटर है वो आपका सिग्नल सेंड करने उसको कोड करने और डी कोड करने में ये यूज होता है

ठीक है फ्यू फ्युले, मिनिस्टर फ्यूलरिन भी ने ये खोज किया इस वजह से उनके नाम पे फ्यूलरिन पड़ा और ये क्वार्ज क्वार्ज नहीं होता क्वार्ज में मेजोरिटी सिलिकॉन होता है तो ये आपका जो है वन टू थ्री होगा डी नहीं होगा नेक्स्ट है

फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे हमने बल्ब वाला एक क्वेश्चन आया था बल्ब में देखो आपके पास टंगस्टन था उसके बाद CFL आया, उसके बाद बाद आया है तो उसे ही इसमें जो आपका क्या है आज इसमें भी एलईडी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है ठीक है तो इसमें पहले सीआर कैथोड रे ट्यूब उसके बाद कैथोड रे ट्यूब उसके बाद प्लाज्मा उसके बाद एलईडी देखो सी आर टी मोनिटर जो होता था वो बहुत बड़ा है

तो कहीं ना कहीं ये इसके पीला पड़ जाता है, तो ये द मीर यूज इन सर्च लाइट इज पैराबोलिक पैराबोलिक जो पर्वलईक दर्पण का हम प्रयोग करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है नेक्स्ट ऑल द रेज कमिंग फ्रोम दोर्स एट द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मीर आर रिफ्लेक्टेड

जाता है ओजोन और वो जो क्या है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारे पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है और यदि वो ना रहेगा तो अल्ट्रावायलेट रेड के कारण बहुत नुकसान हो जाएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है नेक्स्ट है ओजोन डिप्लेशन हैज बीन कॉज बाय रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमोस्फेयर ये भी सही है लेकिन क्या इसके कारण ये बनता है नहीं ये डिप्लेशन के बारे में बता रहा और ये क्रिएशन के बारे में तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है लेकिन दोनों रिलेटेड नहीं है दोनों ये रीजन नहीं है ये अपने आप में अलग अलग हैं, तो अलग अलग सही हैं, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी हो जाएगा तो ये ट्वेंटी वन क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया ठीक है कुछ क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालो ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस